Computer networks, types of cipher. So first of all, what is cipher? Cipher actual में क्या होता है, जो हम encryption और decryption algorithm लगाते हैं किसी भी plain text पर, उस particular process को means first encryption then decryption, इन दोनों process को हम actual में क्या बोल रहे हैं, ciphers. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सेंडर जो है एलिस है, एलिस अपना प्लेन टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड जो है सेंड करना चाहता है बॉब को, बट क्योंकि ये चाहता है कि ये थोड़ा सीक्रेट वे में जाए, कोई बीच में कोई इसको एक्सेस ना कर पाए, तो ये सबसे पहले क्या करते हैं कि एनक्रिप्ट कर देते हैं, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा के और उसमें हम एक सीक्रेट की ऐड करके फाइनली इसको हम क्या कर देते हैं, एनक्रिप्टेड डाटा बना देते हैं कि जो भी अगर कोई थर्ड पार्टी इसको रीड करना चाहे तो वो एक्चुअल में रीड नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है. ठीक है, क्योंकि हमने कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम लगा के क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया है एनक्रिप्टेड डेटा में. ठीक है, तो इसको हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट. और फाइनली जब ये रिसीवर एंड पर पहुंचेगा तो रिसीवर भी क्या करेगा कि इसको डिक्रिप्शन करेगा, मींस इस डेटा को, या फिर आप कह सकते हैं कि जो साइफर टेक्स्ट है, एनक्रिप्टेड डेटा है, उसको वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, बट डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये की यूज करेगा और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाएगा जिसके थ्रू ये फाइनली प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसको रीड कर सकता है. ठीक है, तो ये जो दोनों पार्ट हैं, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इन दोनों पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, साइफर्स. ठीक है, और ये जो साइफर होता है यूजुअली पब्लिक होता है, मींस पब्लिकली पता होता है, बट एक्चुअल जो पार्ट होता है जो हम हाइड करते हैं वो होती है की. ठीक है, अब ये की क्या होती है और ये किस तरह से एल्गोरिथम्स वर्क करते हैं, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ये साइफर्स कितने टाइप के होते हैं, मतलब ये जो फर्स्ट डेटा को, प्लेन टेक्स्ट को आप एनक्रिप्टेड डेटा में कन्वर्ट करते हैं, एनक्रिप्टेड को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कितने टाइप से आप इनको चेंज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट होता है ट्रेडिशनल साइफर, सेकेंड टाइप होता है ब्लॉक साइफर. ट्रेडिशनल साइफर जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है सब्स्टिट्यूशनल साइफर में और ट्रांसपोजिशनल साइफर में. ठीक है, और जो सब्स्टिट्यूशनल साइफर है वो फर्दर डिवाइड होता है मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर और पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर. राइट, ओके, सो सेकेंड टाइप जो है हमारा ब्लॉक साइफर, वो भी फर्दर थ्री कैटेगरीज में जाता है. ठीक है, फर्स्ट इज पी बॉक्स, एक्स बॉक्स एंड प्रोडक्ट बॉक्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल साइफर को समझते हैं. ट्रेडिशनल साइफर क्या होता है, कैरेक्टर ओरिएंटेड जो है आप कह सकते हैं कि एल्गोरिथम है. ठीक है, कि जो कि प्लेन टेक्स्ट को क्या करेगा, एनक्रिप्टेड डेटा में कन्वर्ट करेगा और एनक्रिप्टेड डेटा को फाइनली प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा. अब इसको हम कैरेक्टर ओरिएंटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सारा जो आप कह सकते हैं जो भी प्रोसेस है वो कैरेक्टर पर डिपेंड करता है. कैरेक्टर क्या है, जैसे को फॉर एग्जांपल हमने अभी पढ़ा कि हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड में ये जो एच है, ई है, एल है और ये जितने भी हैं आप कह सकते हैं लेटर्स हैं, इनको हम कैरेक्टर्स बोल रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स है इन पर हम वर्क करते हैं ट्रेडिशनल साइफर पर. ठीक है, अब ट्रेडिशनल साइफर जो है टू कैटेगरीज में आता है, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशनल साइफर, सेकेंड इज ट्रांसपोजिशनल साइफर. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सब्स्टिट्यूशनल साइफर. राइट, अब जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, सब्स्टिट्यूट करने वाले हम. ठीक है, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी को आप कह सकते हैं रिप्लेस करके उसकी जगह किसी और को रखने वाले हैं. ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि हम कैरेक्टर पर वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इट सब्स्टिट्यूट वन सिंबल विद अनदर. अब ये सिंबल क्या है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, नंबर हो सकता है, मतलब कि कैरेक्टर मतलब ए बी सी अप टू जेड कुछ भी हो सकता है, और इन केस ऑफ नंबर क्या हो सकता है, 0 to 9 कोई भी डिजिट हम उठा लेंगे. ठीक है, जो कि आपके एक्चुअल डेटा में होगी, क्योंकि जब आप कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें या तो आपका ए टू जेड कोई भी आपने जो अल्फाबेट्स हैं वो यूज किए होंगे, हेलो को लिखने के लिए भी आपने अल्फाबेट्स यूज किए, और अगर कोई आपने नंबर भी यूज कर सकते हैं अपने ने, तो ओवरऑल जो मैसेज होता है आपका सिर्फ एक क्या होता है, अल्फाबेट्स और जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं. और हम ट्रेडिशनल में लेकर चल रहे हैं कि वो जो आप मैसेज सेंड कर रहे हैं वो सिर्फ कैरेक्टर ही है. ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अभी जो अगर आप एक्स्ट्रा सिंबल्स की बात कर रहे हैं वो अभी हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. ठीक है, वो ट्रेडिशनल में नहीं आता है. ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम एक
सिंबल को दूसरे सिंबल से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ए है, ए को हम डी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। मतलब एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर देंगे। अब ये चीज़ फिक्स नहीं है कि हमेशा हम ए को डी से ही कन्वर्ट करेंगे या फिर रिप्लेस करेंगे या फिर टी को जेड से ही कन्वर्ट करेंगे। टोटली डिपेंड करता है कि एक्चुअल में जो की है, ठीक है, वो अभी हम आगे देखेंगे, जो की है उस पर डिपेंड करता है कि एक्चुअल में किस अल्फाबेट्स को हम किस अल्फाबेट से कन्वर्ट करने वाले हैं। इन केस ऑफ डिजिट भी सेम होगा कि जरूरी नहीं कि 3 को हम 7 से ही कन्वर्ट करें या 2 को 6 से ही कन्वर्ट करें या रिप्लेस करें। ये डिपेंड करता है की पर कि हम एक्चुअल में किस नंबर को किससे रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशनल साइफर। मीन्स आप किसी भी सिंबल या फिर आप कह सकते हैं किसी भी कैरेक्टर या डिजिट को दूसरे किसी और डिजिट से कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूशनल साइफर भी दो तरह का होता है, मोनो अल्फाबेटिक एंड पॉली अल्फाबेटिक। मोनो जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, मोनो मतलब सिंगल की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर या फिर एक सिंबल इन द प्लेन टेक्स्ट इज ऑलवेज चेंज टू द सेम कैरेक्टर और द सिंबल इन द साइफर टेक्स्ट। कहने का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने की के अकॉर्डिंग डिसाइड किया है कि ए जो है हमेशा डी में ही कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए हमेशा डी में ही कन्वर्ट होगा। अगर ए बहुत बार आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई भी ऐसा टेक्स्ट लिखा है जिसमें ए बार बार आ रहा है, तो जितनी बार भी ए आ रहा है हर बार मैं ए की जगह डी ही लिखूंगी, कोई और कैरेक्टर नहीं यूज करूंगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको मोनो अल्फाबेटिक बोल रहे हैं, क्योंकि जो एक सिंबल है वो ऑलवेज चेंज टू द सेम कैरेक्टर इन द साइफर टेक्स्ट, कि हमेशा सेम कैरेक्टर से ही चेंज करेंगे, ठीक है, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स ए कैरेक्टर अकर्स इन द प्लेन टेक्स्ट। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं कि जो एच है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ये प्लेन टेक्स्ट है हेलो, और हेलो को हमें कन्वर्ट करना है मोनो अल्फाबेटिक साइफर के थ्रू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल की हमें बताती है कि आप जो है क्या कर सकते हैं, एक अल्फाबेट छोड़कर, ठीक है, मतलब की अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टू है, ठीक है, टू का मतलब क्या है कि एच के बाद क्या आता है, आई एंड देन जे, मीन्स जो वन है देन सेकेंड जो है, मतलब टू नंबर वाला जो है अल्फाबेट जो होगा क्या होगा, इसका क्या होगा, रिप्लेस करने वाला कैरेक्टर होगा, ठीक है। एच के बाद आई छोड़कर हमने जे लिया है, ठीक है, तो मतलब एच जितनी बार भी आएगा किसी भी मैसेज में उसको हम जे से रिप्लेस करेंगे। ई जो है ई एफ जी, एक अल्फाबेट छोड़कर नेक्स्ट लिया है जी एल एम एन, अगेन सी। यहाँ पर मोनो का मतलब क्या है कि जितनी बार भी एल आएगा उसको हम सेम अल्फाबेट से ही कन्वर्ट करेंगे या फिर रिप्लेस करेंगे। तो एन जो है सेम सेम है, ठीक है, हमने दूसरे एल के लिए कोई और जो है अल्फाबेट नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओ पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैं बोल रही हूँ कि हम एक अल्फाबेट छोड़कर नेक्स्ट है, ये की पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। वो अभी आप थोड़ा सा आगे और वीडियोस देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। जस्ट एक चीज समझिए कि यहाँ पर मोनो का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी एक अल्फाबेट के लिए कोई और अल्फाबेट जो है रिप्लेस करने के लिए डिसाइड कर चुकी हूँ, तो जितनी बार भी वो आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल, उतनी बार ही वो उसी अल्फाबेट से रिप्लेस होगा। तो फाइनल जो साइफर टेक्स्ट है वो क्या हुआ, जे जी एन एन क्यू, ठीक है। तो अगर मैंने ये प्लेन टेक्स्ट भेजा है और एनक्रिप्शन का एल्गोरिथम लगाकर हम उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, और जब रिसीवर एंड पर ये क्या करेगा, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा के वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको वन टू वन रिलेशनशिप भी कहते हैं, क्योंकि एक सिंगल अल्फाबेट चाहे वो कितनी बार भी अकर करे, हर बार वो एक एक ही अल्फाबेट से रिप्लेस हो सकता है, ठीक है, इसलिए इस हम वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। ओके, सो मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर जो है थ्री टाइप का होता है, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव एंड अफाइन, ठीक है। एडिटिव जो है सीजर साइफर भी बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो स्टे ट्यून।